हेलो गाइस, दिस इज़ सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने सोचा, काफ़ी टाइम से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो वगैरह शूट करने का, तो आज सोचा अलग से टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो बहुत सिंपल ब्लॉग होने वाला है, इसमें कुछ भी मैंने सोचा नहीं कि आज क्या करूँगी, बस रैंडमली ऐसे जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग जो है मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ, मौसम बहुत अच्छा है एंड बारिश वगैरह हुई है, तो बहुत अच्छा विंडी मौसम है। एंड या यहाँ पे मेरे ये मेरे हस्बैंड है शशांक, और बहुत दिन से ये सैंडविच बनाने के लिए बोल रहे थे, तो फाइनली आज हम लोग ये बना रहे हैं। तो मैं शूट कर रही हूँ ना, तो अभी वो केचप वगैरह लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ना अभी ऑर्डर किया था, शशांक ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था। तो हेवल्स का ये ग्रिल वाला ये जो सैंडविच मेकर आता है ना, ये अभी अभी आया, न्यू है एंड फर्स्ट टाइम हम लोग इसमें सैंडविच बना रहे हैं। इसका जो ये वायर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब मैं बताऊँ ना, अपना ये हैंड होता है ना उससे भी छोटा है, बहुत छोटू सा है। तो ऐसे स्टूल लग रख के, जुगाड़ वगैरह लगा के हम लोगों को ऐसे सेट करना पड़ा, बट इसमें सैंडविच बहुत अच्छे यार से हम पिट चुका है बने बहुत थे। ये मेरा बेटा गंदा है अरम, एंड इसको खाना खाने बहुत टाइम लगता है, इसके कारण। आई थिंक 1 से 1.5 घंटा आराम से वो बैठ के खाना थोड़ा खाता भी है, जल्दी पिट पिट फिनिश के, करो। एंड वो पिट के ही खाना खाता है। एंड सैंडविच भी उसको एक सैंडविच दिया था एंड बहुत टाइम से वो खा रहा है, एंड अभी भी बैठा है, उसको बहुत बोलना पड़ता है। यहीं पे हम लोग सैंडविच बनाते जा रहे हैं और एक एक करके सब लोग खाते जा रहे हैं। अभी भी यार हमने कुछ भी नहीं खाया है, अब आराम पिटने वाला है बहुत तेज। ये भाभी आई, भाभी के डर से आराम ने खाया। ऐसे ही आओगे जैसे हो रहे नानी हाय करना, नानी हाय हाय कर ऐसे, हाय। हाँ आ गए परस भी। अभी जो है ना इवनिंग के 7 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। शशांक के एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी जो है वो 2 साल की हो गई, तो उसके बर्थडे की पार्टी है एंड बहुत सुंदर डेकोरेशन था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एंड जो गर्ल थी जिसका बर्थडे कल है, उसकी जो एंट्री थी ना बहुत अच्छी हुई थी, कार में बैठ के वो उसकी एंट्री हुई थी। एंड यहाँ पे हम लोग बस आए एंड हम लोग ने थोड़ा बहुत खाया पिया एंड अच्छा लगा हम लोग को बर्थडे पार्टी में।
सो यहाँ पे ना हम लोग को रिटर्न गिफ्ट मिला था, तो हम वही खोल के देख रहा है कि इसमें क्या है। बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है। एंड यहाँ ऐसी बर्थडे पार्टी वगैरह होती हैं तो मोस्टली कप ही रहता है रिटर्न गिफ्ट में, तो इन्होंने तो वैसे भी गैस कर लिया था, मम्मी ने भी गैस कर लिया था, बट फिर भी हमने ओपन करके देखा है एंड उसमें कप था। तो पहचानते हो क्या बना रहा हूँ, क्या बना जल्दी बता, आप तो पहचानते हो ना इसको, आएगा पढ़ने तब तो बताएगा यार, देखते हो ना ये वाला शो, बताओ नानी क्या बना, कौन सा कार्टून है, कार्टून बना है कौन सा आयरम बताओ, तो इतनी देर में क्यों बोला। हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:00 एंड बस हम लोग अभी रूम में आ गए हैं, वापस आ गए हैं, पार्टी बहुत इंजॉय किया एंड ये अरहम, सो बहुत मज़ा आया और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।